नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप ये देखिए, हम मेन एंट्रेंस में हैं अपने गेट के बाहर, और बोगनविलिया का लत्तर झूला हुआ है हम लोग का, और मधुकामनी का फूल है, और ये दीपू निवास लिखा हुआ है आनंद नगर फसिया, इसको देख लीजिए। इस बोर्ड को भी लगाने का एक बड़ा वजह है, कभी इत्मीनान से हम आपको बताएंगे। वैसे तो बड़ों के नाम से रहता है दीपू निवास, ये हम अपने बड़े बेटे के नाम से रखे हैं, जैसे मम्मी पापा या गार्जियन के नाम से नहीं रखे हैं, कभी बताएंगे आपको इत्मीनान से। अरे हमारा पोर्टिको देखिए, छज्जा गेट का, अभी हम गेट से अंदर जाएंगे, देख लीजिए। चलिए हम आपको अंदर लेके चलते हैं। देखिए मेरा बायां दाहिना फूल पौधे भी देखते जाइए। अरे ये देखिए, हम लोग का जो आंगन बहुत नीचे था, इसमें काफी काई और कीचड़ हुआ करते थे, उसको हम लोग सुधारे हुए हैं, पूरा बालू से सोलिंग करवा के और फेबर ब्लॉक इधर लगाए हैं, और इधर पूरा ढलाई हुआ है। तो दोनों साइड आप देखते चलिए, और मेरे पौधों को भी देखते चलिए। बगिया मेरा दोनों साइड जीवन के पेड़ हैं, सभी वास्तु से लगे हुए हैं। और इधर देखिए लक्की बम्बू दाहिना साइड में बोगेनविलिया, और इधर फूल पौधे देखिए। और इसको देखिए, जो ईटा का हम लोग घेराव कर दिए हैं सभी पौधों के लिए, क्योंकि इससे खाद और मिट्टी बाहर आ जाते थे हमारे, वो नहीं आएंगे, और अच्छा गार्डनिंग का एक सुंदरता लुक भी आ जाता है। अपना पौधे सेपरेट रहेंगे एक साइड में किनारे, और इधर जो हम लोग को झाड़ू वगैरह लगाना होता है हम लोग लगा लेते हैं, धुलाई कर लेते हैं, और पौधे में खाद मिट्टी देने के लिए अच्छा है। और इधर देखिए, यहाँ काफ़ी पहले कीचड़ हुआ करते थे बारिश का मौसम में, पानी का जमावट भी रहता था। और इधर भी देखिए, जो हम लोग का हैंडपम्प बोरिंग है उसको भी हम लोग थोड़ा अच्छा से सुधार दिए हैं, और जो नाली बाहर से निकलता था उसको हम लोग अंदर कर दिए हैं पाइप द्वारा, फेबर ब्लॉक के साथ में एकदम चला गया है बाहर गेट की ओर। और इधर देखते जाइए, सारा फूल पौधा भी मेरा देखिए, कनेल है, अशोक का पेड़ है, ये मेरा हैंडपम्प है, यहाँ कपड़े धुलने का बाल्टी साबुन सब कुछ रखा हुआ है। फिर इधर देखते हैं, यहाँ तक चलिए आगे। तो इधर देखते जाइए, फूल पौधों का किनारे में पूरा हम घेराव कर दिए हैं, ईटा का करवा दिए हैं, ताकि फूल पौधे सुरक्षित रहें और देखने में भी अच्छे लगें। ये देखिए, देख लीजिए, इससे तो बिना घेराव का अच्छा नहीं लग रहा था, हम लोग जहाँ तहाँ ईट रख दिए थे, पत्थर रख दिए थे, उसे खूबसूरती लुक नहीं आ रहा था। लगना भी चाहिए कि हम फूल पौधों का जो गार्डनिंग करते हैं उसको अलग से घेराव करके उनको अलग से स्थान दे दिए हैं, वैसे नहीं था तो अच्छा नहीं लग रहा था। अभी इनको एकदम अच्छा इनका हो गया है तैयार, जगह बन गया है एक अलग से, जिसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा वहाँ। और इधर देखते जाइए, ये इधर भी काफ़ी नीचा हुआ करता था जमीन, दोनों साइड देखिए अच्छा से एकदम राजमिस्त्री भैया लोग ढलाई किए हुए हैं। और ये भी देख लीजिए, इधर थोड़ा सा टाइल्स दरवाजा में लगा हुआ है, इधर का भी एरिया पूरा बाउंड्री बंधा हुआ है, इसे देखने में काफ़ी खूबसूरत लगा है, अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि एकदम एक अच्छा गार्डनर की तरह सब सजा हुआ रहेगा जब खूब भर भर के फूल खिलेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए पूरा ढालू किया हुआ है, यहाँ से लेके सीधे हमारा गेट का पानी, यहाँ से गेट के से बाहर सारा पानी निकल जाएगा, देख लीजिए। पहले तो ऊंचा नीचा था जिसमें चलने फिरने में भी दिक्कत हुआ करता था। और इधर हमारी जूली है, जूली को हम अपने घर ले आए हैं 7 बच्चों के साथ, क्योंकि बारिश में भीग रही थी। देखिए इसको बोरी बिछा दिए हैं, छोटा सा हमारा स्टोर रूम है, उसमें बच्चों के साथ जूली बैठी हुई है, गाय का दूध भी पिला देते हैं। देखिए, अरे जूली की बेबी रो रही है, मम्मा का दूध पी रही है। ये प्लेट में सभी बच्चों को दूध देते हैं, सभी बच्चे दूध पी लेती हैं। रोड की तरह लग रहा है लेकिन ढलान है, और बारिश के पानी एकदम सीधे बाहर निकल जाएगा, इसमें कोई जमावट का दिक्कत नहीं है। यही सब हम लोग बनवाना चाह रहे थे, आंगन पक्का नहीं था, हमारा आंगन कच्चा था। चलो, अब इधर आइए, मेरा मेन जगह दिखाते हैं, जिसको जो हमारा बरामदा है, हम जिसको गांव में ढाबा बोलते हैं, देख लीजिए। यहाँ बैठने का भी स्थान बनाया हुआ है, चेयर रख दिए हैं, टेबल है, जिससे कोई एकदम बाहर से आते हैं तो हम लोग भी शाम सुबह बैठते हैं, चाय पीते हैं। और जितना मेरा हैंगिंग बास्केट देख लीजिए,
इधर का लुक देखिए, और बच्चे खेल रहे हैं, सभी बच्चे आए हैं दुर्गा पूजा का छुट्टी में। ये देखिए इधर का बरामदा देखिए, इसका लुक देखिए। हाय बोलो, सब हाय बोलो। सभी बच्चे खेल रहे हैं खूब मस्ती में, सभी दुर्गा पूजा का छुट्टी में आए हैं, घर भरा भरा है। ये बरामदा हमारा देखिए, अभी काफी अच्छा हो गया है, बारिश का पानी बिल्कुल नहीं घुसेगा उसमें। लू का आंगन जो भी देखिए आप यहाँ पूजा करते हैं, अड़हुल का फूल है माने मेन आंगन, बरामदा ढाबा जो भी बोलिए, एकदम वहां से लेके बाहर गेट तक देख लीजिए, पूरा लुक ले लीजिए कैसा लग रहा है आप लोग को सुधार होने के बाद में। पहले तो थोड़ा किचपिच सा था आंगन। इधर आइए और दिखाते हैं, लगा हुआ है थोड़ा सा फेवर ब्लॉक बचा हुआ भी है, इसको हम लोग को हटाना है, बीच आंगन में हो गया है। और थोड़ा सा हम लोग को लगा बाद में कि इसे बालू काफी अंदर जा रहे थे, ठीक से नहीं लग पा रहा था, इसलिए हम लोग उधर ढलाई करवा दिए ताकि उधर धोने उने में साफ करने में सुविधा हो। और यहाँ तो थोड़ा बालू बालू सा रह जाता है, पार्किंग टाइल्स है तो ये घर में इसका बालू चला भी जाता है, इसलिए बाद में हम लोग सोच के फिर उधर ढलाई करवा दिए। अरे बरामदा में पूरा टाइल्स लगे हुए हैं देखिए, अरे मेरे हैंगिंग पौधे हैं, और ऊपर का भी देख लीजिए, कोसमोस के फूल काफी खिले हुए हैं, सारे फूल पौधे अच्छे लग रहे हैं। और इधर भी हम लोग ये बाउंड्री करवा दिए हैं, इसमें चौड़ा बाउंड्री है, गमले अच्छे अच्छे रख सकेंगे, अभी तो ज़्यादा नहीं है जो है वही देखिए, थोड़े बहुत फूल भी खिल रहे हैं जो छोटे छोटे पौधे हम लगाए थे, फूल का छोटा छोटा पौधा रोपे थे वो अभी खिलना शुरू हो गए हैं। गुलाब भी काफ़ी खिले हुए थे लेकिन अभी मुरझा गए हैं। और इधर तक देखिए, आगे तक हमारा कोना, यहाँ तक देखिए, सब देख लीजिए, पहले से काफी सुधार हुआ है, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं, साफ सुथरा करने में भी आसानी है। तो यही मेरा आंगन है, घर का फ्रंट लुक है, आंगन है जिसमें हम लोग अधिकतर निकलते हैं, घर से ज्यादा बाहर ही रहते हैं, सुबह शाम अच्छा लगता है घूमने में। हैंडपंप से भी हम लोग बहुत सारे काम कर लेते हैं, बाहर बैठ के कपड़े धुलने या कुछ कुछ काम करने में अच्छा खुला खुला सा स्थान लगता है। बाथरूम है फिर भी बाहर बैठ के सारा काम कर लेते हैं, अच्छा लगता है, फूल पौधे पटाते हैं। ये सारा देख लीजिए, पूरा आंगन का व्यू देखिए, चारों ओर जो हरा हरे भरे घर हैं इसको देखिए। और इस घर को बनाने के लिए हम लोग बहुत मेहनत किए हैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन में बन गया है। इसको बनाने के लिए जो बोलते हैं कि एक घर को बनाने के लिए तन मन और धन सब कुछ लग जाता है, उसी तरह हम लोग का तन मन धन सबका सहयोग लगा हुआ है। विकास बेटा भी बहुत इसमें सहयोग किया है, हस्बैंड तो बाहर रहते थे फिर भी हम लोग मिलजुल के इतना घर बना लिए हैं। और मेरा हमेशा से ख्वाहिश था कि मेरा घर पूरा हरा भरा, घर आंगन छत बगिया हो और एकदम पूरा ग्रीन ग्रीन से भरा हुआ हो, एक फार्म हाउस का जो लुक हम देना चाहते थे, कभी ये मेरा ड्रीम हुआ करता था, आज वो लगभग पूरा हो गया है और भगवान की कृपा से ही पूरा हुआ है। और आगे भी भगवान की कृपा बने रहे तो और भी सुधार होगा, फिर भी अभी रहने लायक एक अच्छा घर हम लोग का बन गया है। हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी कि यही एकदम हरा भरा रहे, जिसमें घुसते के साथ शांति और सुकून मिले, पेड़ पौधे हों, देखिए चारों तरफ हमारे लंबे लंबे ऊँचे ऊँचे अशोक और सागवान के पेड़ हैं, पौधे हैं, इससे अच्छी हवा भी आती है, हम लोग को पेड़ का पत्ता भी मिल जाता है। और गांव से थोड़ा हमारा घर साइड में है इसलिए खूब शांति और सुकून है, हल्ला गुल्ला ज़्यादा नहीं है, नहीं तो गांव में तो इसे बहुत हल्ला गुल्ला होता है। देख लीजिए मेरा पूरा घर का बरामदा का लुक है, आप लोग को पसंद आए तो देखिए, कमेंट कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और कभी मेरा घर देखना होगा तो भी कमेंट कीजिएगा तो आपको हम होम टूर देंगे। देखिए सारा लुक देख लीजिए, सारा व्यू देखिए, जो भी मेरा खूबसूरती है घर, इस घर का खूबसूरती है मेरा गार्डन, और इसको हम बहुत मेहनत के साथ बनाए हैं। मेरे पास कोई माली भी नहीं है कि हम किसी से मदद ले सकते हैं, मेरा खुद का मेहनत है, 2 घंटा 3 घंटा 1 घंटा जैसा हुआ संभव हम खुद अपने अपने करते रहते हैं। बात है देखिए, मेरा बेटा है दीपू, इसी के नाम से ये घर है, और ये शारीरिक और मानसिक कमजोर है, 22 साल का मेरा बेटा है, इसको देखते हुए ही हम सारा घर का काम काज और ये गार्डनिंग का काम करते हैं।
हाय बोलो बेटा हाय बोलो हाय हाँ ठीक है ना मेरे बेटा मेरा दीपू बेटा है इसी का ही घर है ना बेटा हाँ इसी के नाम से ये मेरा घर है हम चाहते थे कि मेरा बच्चा भी यहाँ सुकून शांति से रहे क्योंकि शारीरिक मानसिक कमजोर है इसको ज़्यादा हल्ला गुल्ला ये सब पसंद नहीं है इसीलिए हम लोग इसके लिए इतना सब कुछ बनाए हैं जिसमें मेरा बच्चा आराम से बैठ के रह सके इसके साथ ही इस ब्लॉग का अंत करते हैं अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू